वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ डीएस ब्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है अबाउट एक, सो गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते और सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस हाईवे पे हैं और पैदल जा रहे हैं गुरुद्वारा। हमारा जो गुरुद्वारा, सो सभी को हैप्पी गुरु नानक जयंती और मस्ती करो, भगवान जी की पूजा करो। अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा जो कि मेरे घर से अबाउट 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और हम लोग पैदल ही निकल चुके हैं। छोटा सा दिख भी रहा है सामने, और अभी दूर दिख भी रहा है, वो बहुत दूर है, छोटा सा है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अभी पहुँचेंगे तो दिखाएंगे, कैमरा से थोड़ा सा दिख जाएगा जूम करूँगा तो। लेकिन अभी तो हम लोग रास्ता में निकल चुके हैं। और कुछ कहना आपको? नहीं कुछ कहना नहीं है। चलो अब हम आपको जल्दी गुरुद्वारा चल के दिखाते हैं। और बहुत कुछ आपको दिखाएंगे, मेरा गुरुद्वारा कितना प्यारा है। एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, तो इसीलिए दोबारा से आता हूँ रास्ता पर। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो गुरु पर्व जो है हमारा, ये गुरु नानक देव जी का जो है आज बर्थडे है, यानी कहा जाए कि आज के दिन हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तो हम लोग इस जयंती को मनाते हैं, गुरु नानक देव जी का बर्थडे कहते हैं इसको ना, हैप्पी बर्थडे गुरु नानक जयंती गुरु नानक देव जी को। और हम लोग जा रहे हैं अभी सेलिब्रेट करेंगे। इससे ज़्यादा तो अच्छा रात में लगता है क्योंकि हम लोग दिया हुआ जलाते हैं पूरा बढ़िया से, खुशी मनाते हैं। लेकिन अभी जा रहे हैं दोपहर में, प्रसाद चढ़ाएंगे बाबा जी को, अरदास करेंगे और उसके बाद फिर वापस घर आएंगे थोड़ी देर बाद। और वहाँ पे जो हमारा छोटा सा गुरुद्वारा है, छोटे से गांव में खुदरा, ठीक है, वो हमारे पर्सनली बनाया गया था। हम लोगों ने गवर्नमेंट से ज़मीन लेकर के वहाँ पे खाली बनाए थे, ठीक है, बस पूजा करने के लिए हमने। फिर उसको और विकास को थोड़ा सा हम लोगों ने अच्छे से बनवा दिया गया, हम लोगों ने बना दिया गया। तो बस यही है इसका इतिहास। चलो और आगे का बाकी आपको मैं दिखाता हूँ रास्ते में वहाँ पहुँचने के बाद। में आप लोग देख रहे हो भाई लोग, ये जो अंकल जी हैं यार, मेरा दिल खुश हो गया यार उनको देख कर के। यार ये अपने गार्जियन, अपने मम्मी, अपनी माँ को लेकर जा रहे हैं बैठा साइकिल। यार ये होती है असली माँ बाप, माँ और बेटे का प्रेम। और हर फैमिली में ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है कि हर बेटे को अपने माँ का सेवा करना चाहिए। चलो बेटा, तो मेरी बहन पागल है ना, रोड पे चल जाती है, वो देखो रोड पे चलेगी, सही में कहाँ चल रही है दिख नहीं रही है कैमरा में, वो दिख वहाँ पे छोटा सा दिख रही है और रोड के किनारे किनारे ही चल रही है, कोई नहीं। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं ये स्पेशल कैमरा बनता हूँ, मैंने बस ये दिखाने के लिए ऑन किया, बनना पड़ेगा। ब्लॉग बन गया है हमारा और गाड़ी पास हो रहा है साइड से, बहुत मिट्टी उड़ रहा है। भागोगे, मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क क्यों लगाए भाई? मास्क लगाने का क्या जाता है? डिस्टेंसिंग है वैसे भी बहुत, डिस्टेंसिंग नहीं है। अरे गुरुद्वारा भाई लोग, ये मेरी सिस्टर फान रही है, देखो गुरुद्वारा। चलो अब आपको वहाँ पे चल के दिखा दे डायरेक्ट हमारा होटल भाई लोग, देख लो और ये हमारा गुरुद्वारा बगल में। तो चलो गुरुद्वारा तब पहुँच गया, आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया। ये है गाड़ी और ये हमारा गुरुद्वारा। चलो तो अभी गुरुद्वारा में एंट्री लेते हैं, पहले आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर।
और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा बढ़िया दृश्य। नीचे में फोटो शोटो खींचते बढ़िया बढ़िया जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देखने को मिलेगा। कहा देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम हैंडल पर। फेस थोड़ा सा मेरा मेरा किसी तो मेरा फेस आपको थोड़ा सा ब्लैक देखने को मिलेगा। मैनेज कर लेता तो मैं बढ़िया बढ़िया फोटो खींचने जा रहा हूँ बढ़िया बढ़िया ठीक है। जो कि जिस जो फोटो आपको इंस्टाग्राम हैंडल से देखने को मिलेगा तो भाई इंस्टाग्राम का आइडिया ना बढ़े धोकर जाओ देखो बढ़िया। क्या वो मंदिर अभी फिलहाल और आप कहो क्या भाई मंदिर कैसे अभी मैं आज गुरु नानक जयंती के साथ साथ आज कार्तिक पूर्णिमा भी है तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा का भी हार्दिक शुभकामनाएं। और तो वही उसी की तैयारी हो रही है मंदिर पूरा सज चुका है आपको मैं दिखाता हूँ मंदिर बिल्कुल ही पूरा अच्छे से सज गया है और अभी दिए लग रहे हैं लोग दिए बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे दिए लगा रहे हैं जोरों शोरों से यहाँ पे दिए रखे हुए हैं और सबको दिया जला रहे हैं। चलो पहले रोशनी में आता है अच्छे से फिर बात करते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा एक्सटर्नल वॉइस आ रहे होंगे जिसकी वजह से और यहाँ फुल ऑन मोड में तैयारी चल रही है और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बैक कैमरा अपना स्टार्ट नहीं कर सकता फ़ोन का क्योंकि फ़ोन के कैमरा में आ गया है थोड़ा सा खराबी और जिसकी वजह से मैं कैमरा स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन भाई साहब बहुत सुंदर लग रहा है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ उसके आपको दिखाने का। अगर थोड़ा सा बैक कैमरा से दिखाऊंगा थोड़ा सा अगर ख़राब लगे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना क्योंकि शायद डस्ट आ गया है मेरे कैमरा में तो उसे साफ़ करवाने के लिए जाना पड़ेगा या तो नया फ़ोन वैसे भी लेना ही है तो लेना है तो फिर इसको क्या करवाना है वैसे साफ़ करवाने का कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। सबसे पहले चलते फोटो आपको दिखाता हूँ कैमरे भंडारा चालू होगा लगभग मेरे हिसाब से 8-8:30 के बीच में भंडारा चालू होगा। यहाँ पे लोगों को भंडारा होता है हर पूर्णमासी को होता है आज तो वैसे भी कार्तिक पूर्णिमा है तो फिर तो जरूरी होना है तो यहाँ पे होगा। लेकिन मैं यहाँ पे रहने वाला इस टाइम पर नहीं मैं घर जाऊँगा और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी नहीं भी लगी होगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। थैंक यू गाइस मिलते हैं और अच्छे से वीडियो में। टिल देन बाय बाय टाटा सी यू हैव नाइस डे।